वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं इंगेजमेंट या किसी फंक्शन या कोई मैरिज पार्टी में अगर आप साड़ी कैरी करना चाहते हो या खुद के इंगेजमेंट में कोई हैवी साड़ी को आप अच्छा सा लुक क्रिएट करना चाहते हो उससे, तो वो कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको एक अच्छा परफेक्ट लहंगे जैसा साड़ी कैसे क्रिएट करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये हमने पेटीकोट पहन रखा है और अब हमें पहनना है साड़ी। उसके लिए हमें चाहिए अपना, पहले आप कोई भी हैवी साड़ी लें, क्योंकि इंगेजमेंट या कोई ऐसे पार्टी में पहनना है तो आपको चाहिए एक हैवी साड़ी। वो आप सिल्क में, कॉटन में, कैसी भी साड़ी को ले सकते हैं। ये मेरी बहुत ही प्यारी साड़ी है, देख रहे हैं आप। तो अब इस साड़ी को हम रैप करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम साड़ी को टक करेंगे जैसे आप नॉर्मली टक करते हो, और अब हम देंगे प्लेट। प्लेट्स देंगे हम नॉर्मल, जैसे आप एक एक छोटे छोटे प्लेट्स देना स्टार्ट करो। बहुत छोटे प्लेट्स भी नहीं देने, नहीं तो सुंदर नहीं लगेगा। और हाँ, अगर आगे की में एम्ब्रॉयडरी नहीं है, डिज़ाइंस नहीं बने, तो उसको कवर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा फिल्स स्टार्टिंग में ही दे लें, या उसको बैक में भी थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मेरी भी साड़ी के एंड में थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, तो मैं उसको कवर कैसे की हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो हम नॉर्मल प्लेट्स बना लेते हैं। हमें पीछे की तरफ ज़्यादा प्लेट्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो सब कवर हो जाना है। हमारे पल्लू ऐसा बनने वाला है कि उससे कवर हो जाएगा, एंड ऐसे थोड़ा बहुत वहाँ पीछे फिल्स देंगे, बट आगे के फिल्स को है हमें परफेक्ट देना पड़ता है, नहीं तो हमारा लुक क्रिएट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और अब देखिए, हम अपने पल्लू की फैब्रिक को मेज़र कर लेते हैं कि हमें कितना करना है, तो इस चीज़ को भी हम अच्छे से देख लें, नहीं तो हमारा जो परफेक्शन है वो नहीं आएगा। और अब हम अपने प्लेट्स को बना लेते हैं। प्लेट्स आपको नॉर्मल ही बनाना है, कोई ऐसे अलग तरह से हम प्लेट्स नहीं बना रहे हैं, यहाँ सिंपल प्लेट्स बनाने हैं आपको। तो ये देखिए, अब हमारा जो प्लेट्स है बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट बनानी है आपको यहाँ पे। और आप जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो आप। हमें अपने प्लेट्स को ही प्रॉपर बनानी है, क्योंकि ये पूरे लुक को हमारे क्रिएट करता है, हमारे पूरे लुक को ये दिखाता है कि हाँ, इसी से हमारा परफेक्ट लुक आता है। तो थोड़ा सा हम इसको परफेक्ट कर लेते हैं, जो हमने प्लेट्स बनाए हैं उसको भी सही कर लेते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया, मैं कवर करने के लिए, देखिए ये जो आगे फैब्रिक था मेरा एक्स्ट्रा, तो अभी प्लेट्स को हम पहले हटा देते हैं पल्लू को। अब देखिए, ये थोड़ा सा मैं पीछे कर रही हूँ, क्योंकि आपको फैब्रिक को भी कम नहीं करना है, कम नहीं पड़ना चाहिए, और हमें परफेक्ट लहंगा वाला साड़ी भी क्रिएट करना है। और ये देखिए, मेरा जो ऑलमोस्ट है वो तैयार हो ही गया है, तो वो चीज़ आपको देखना है। और पीछे की तरफ आपको ज़्यादा प्लेट्स नहीं बनाने, क्योंकि जो हमारा पल्लू है उससे भी कवर होगा कुछ चीज़ें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक टक कर रही हूँ, यहाँ पे नॉर्मल टक कर ले रही हूँ, क्योंकि जितना फैब्रिक है हमें पीछे में उतने ही एडजस्ट करने हैं, ज़्यादा फैब्रिक यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो जो हमारी प्लेट्स है वैसे बन नहीं पाएगी। तो मैं ऐसे ही इसको जिग-जैग जैसे मोशन में है वैसे ही टक कर ले रही हूँ। और बट जो भी आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में करें। आपकी जितनी अच्छी साड़ी होगी, इसमें मैं यही कहूँगी कि उतनी अच्छी आपकी परफेक्ट लहंगा साड़ी क्रिएट होगी। आप जितना हैवी या जितना एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी यूज करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब हम प्लेट्स को यहाँ थोड़ा डिफरेंट करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, वहाँ मैंने दिखाया ऐसे था, बट अब मैं ऐसे करना पसंद करूँगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप सिंपल वाला भी कर सकते हैं। देखिए, आपको वाटर फ्लो जैसा कॉर्नर से पकड़ के ले जाना है और पूरा पीछे की तरफ कर देना है, थोड़ा नहीं करना है, क्योंकि जो हम बना रहे हैं वैसा हमें करने के लिए पूरा ही करना पड़ेगा। तो इससे हमारा वाटर फ्लो जैसा फिल्स आएगा। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे प्लेट्स बना लेती हूँ। आप शोल्डर पे रख के आप प्लेट्स बनाएंगे ना, तो बहुत ही प्रॉपर बन जाता है और मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो ये वाला आप ट्रिक जरूर ट्राई करना। और मैं पिन से ना सिक्योर कर लेती हूँ। अब मेरे प्लेट्स हो गए हैं अच्छे खासे लेंथ में, ये देखिए, और एक कॉर्नर फ्लो जैसा, वाटर फ्लो जैसा, जैसे मैं चाहती थी वैसा आ रहा है और बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो ये वाला लुक आप जरूर ट्राई करिएगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो अब मैं प्लेट्स को एक एक करके सिक्योर कर लेती हूँ और सेपरेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एक पिन की हेल्प से इसे टक कर लूँगी।
देन ये आप लेंथ अपने हिसाब से कैरी कर सकते हैं, बट मुझे इतना कंफर्टेबल और इतना सही लगता है तो मैं इतना ही लेंथ को रखती हूँ। अब मैं इसे पिन से सिक्योर कर लेती हूँ। आपको पिन जैसे भी लगाना, आप ऐसे लगा सकते हैं, बट अब जब भी पिन लगाएं तो पीछे की बैक की तरफ लगाएं, वो परफेक्ट रहता है, क्योंकि अगर आप आगे लगाओगे तो हल्का सा भी झुकोगे तो वो जो हमारा आंचल का जो पल्लू बना है वो ख़राब हो जाता है और अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं हल्का सा झुक कर दिखाना चाहती थी आपको, बट आई एम सो सॉरी कि आपको दिखा नहीं। तो ये देखिए, आप नॉर्मली जैसे लगाना चाहो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम एक एक प्लेट्स को बैठाते हैं, मतलब इसको अपने हैंड से ही प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने से तो नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ एक दो पिन की हेल्प ले लें, क्योंकि जैसा मैं लुक चाहती हूँ वैसा नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक पिन की हेल्प से इसे यहाँ पर सिक्योर कर ले रही हूँ। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ गाइस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ये मैं यहाँ पिन लगा ले रही हूँ, और ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट जो लुक है वो तैयार हो गया है। बट इसमें अभी और भी चीज़ें बाकी हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाओगे। तो आप हल्का फुल्का भी इससे दिख रहा है, आप एक और पिन नीचे की तरफ भी लगा सकते हो, ताकि जो हमारा लुक है वो फिनिशिंग के साथ आए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये साड़ी बिल्कुल भी निकलती नहीं है, बहुत टाइम तक टिकी रह जाती है, तो कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। आप अपने इंगेजमेंट या कोई पार्टी में इसे ज़रूर यूज करिए, अच्छा रहता है। तो ये देखिए हमने कर लिया, और अब यहाँ पे ये मैंने पीछे की तरफ बताया था कि आपको कवर करना है, इसके लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, वो इस कॉर्नर को पकड़ करके और आपको टक कर लेना है नॉर्मली, जिसे आप करते हो टक, जिससे हमारा लुक और भी अच्छा आएगा और हमारी लेसेस दिखेंगी तो अच्छी लगेंगी, क्योंकि पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला लुक है। तो मैं वैसा ही चाहूँगी कि ये लुक वैसा ही क्रिएट होके बहुत सुंदर दिखे और गॉर्जियस दिखे, हॉट दिखे। तो ये आप देख रहे हैं कि आप इसको नाभि के नीचे से ही पहने, वो अच्छा लगेगा। तो पीछे से आपने देखा कितना अच्छा वाटर फ्लो जैसा लुक आ रहा है, कॉर्नर से हमने पकड़ के बनाया है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। सो आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो फटाफट इसे लाइक करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखा और मेरी वीडियोस को देखते रहना।